हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑटो टेक एसके। आज मैं लाया हूँ ओला S1 प्रो स्कूटी, जो बिल्कुल बेहतरीन और सबसे ज़्यादा इस टाइम डिमांड में। आखिर क्यों इतना डिमांड है, जानते हैं इसके बारे में फुल डिटेल। जैसे कि इसका प्राइस कितना पड़ेगा, वन टाइम चार्ज में कितनी बैटरी चलती है और कितना चार्जिंग समय लगता है इसका, और इसका प्राइस क्या पड़ता है, तो चलिए देखते हैं ध्यान से। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले इसके हेडलाइट की। तो हेडलाइट इसका बहुत ही पावरफुल और प्रोजेक्टर लाइट है, जो रात में बहुत ज़्यादा रोशनी करता है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर ओला का लोगो मिल जाता है। ये नीचे देखते हैं, डबल सकर सस्पेंशन मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छा बेहतर होता है इसके लिए। आगे यहाँ पे आपको कुछ यूनिक चीज़ें भी ये दिखाने वाले हैं। यहाँ पे आपको डिजिटल कंट्रोल मीटर मिल जाता है, जिससे आपको बाइक को हैंडलिंग करने में काम आता है। यहाँ पासवर्ड सिस्टम है इसमें, क्योंकि चाबी का ऑप्शन नहीं दिया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कहीं भी की नहीं ऑप्शन दिया है, इसमें पासवर्ड का यूज होता है। जैसे कभी ऑन किए, इसमें पासवर्ड डालेंगे तो ये गाड़ी चालू हो जाएगी। इसमें अलग अलग मोड दिया है, इको मोड, पावर मोड और नॉर्मल मोड, जिसमें अलग अलग स्पीड इसकी देख सकते हैं। इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो ये गाड़ी की टॉप स्पीड 100 किलोमीटर प्रति आवर है, जो कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक बाइक में मिल जाता है। अलग अलग इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे साइड साइड से तो आपको फुटरेस्ट मिल जाता है, जो बिल्कुल अंदर साइड से होता है और इसको आराम से बाहर निकाल सकते हैं। ये बैक साइड में S1 आपको दिख जाएगा, यहाँ पे S1 प्लस। ये बाइक साइड में कुछ इस तरह से आपको सिस्टम है, डबल शॉकर मिल जाता है, बिल्कुल बेहतरीन सा। यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट भी है, यहाँ से खोल के चार्जिंग लगा सकते हैं बाइक को। और इधर साइड से लुक देख सकते हैं, यहाँ पे बैटरी इसकी बहुत अच्छी पावरफुल है। ये बैटरी इसकी चार्ज करने में जो समय लगता है, वो 4 से 5 घंटे लगता है। उसके बाद 120 किलोमीटर तक एक चार्ज में चली जाती है, तो काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है। और स्पीड भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, जो 90-100 तक आराम से बिल्कुल बिना वाइब्रेट किए ही चला सकते हैं इसको। फुटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर फुटरेस्ट ग्राउंड बहुत ज़्यादा दिया है, और सीट भी काफ़ी चौड़ा दिया हुआ है, जो बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं। लेडीज़ के लिए बहुत कम्फर्टेबल है। और इसके प्राइस की बात करें तो 1,20,000 इस टाइम चल रहा है बिल्कुल, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्राइस होगा। तो ग्राउंड की बात करें तो 1,00,000 से स्टार्ट होकर के 1,20,000 तक इसका प्राइस चल रहा है, और काफ़ी बेहतरीन है। साइड साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल जाता है, और यहाँ से साइड में शॉकर और ब्रेक सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है। एक बाइक स्कूटी जो है, बिना पासवर्ड के कोई चालू नहीं कर सकता है, सबसे अच्छी बात दिया है। और एडवांटेज की बात करें तो ये बाइक वन चार्ज में इतना ज़्यादा चल रही है और काफ़ी अच्छी माइलेज निकाल के दे रही है, तो बहुत बेहतरीन है, जो प्रीफर कर सकते हैं इसको। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लाइट के लिए दिया, हॉर्न दिया है, ये इंडिकेटर साइड दिया हुआ है, यहाँ से इको मोड चेंज करने के लिए दिया हुआ है, ये पासवर्ड यहाँ से डालने के लिए दिया जाता है, यहाँ पावर बटन है, ये सब इसका मेनू दिया हुआ है। और डिजिटल कंट्रोल के साथ आता है, जो इसमें सब कुछ आपको फुल्ली डिटेल के साथ दिखाई देता है। इसमें आपको स्पीडोमीटर, बाकी टाइमिंग वमिंग सब दिखा देगा, कितना किलोमीटर जा सकता है एवरेज वो भी दिखा देगा। तो बहुत अच्छी सिस्टम इसमें दिया हुआ है, जो आजकल टेक्नोलॉजी के साथ साथ में इसका यूज हुआ है इसमें। साइड से यहाँ लुकिंग देख सकते हैं इसका, कितना बेहतरीन लुक है। लुकिंग और पिकअप बहुत तेज़ से पकड़ता है, स्पीड इसकी बहुत तेज़ है और पिकअप बिल्कुल साइलेंटली बिल्कुल स्मूथ चलता है। बाकी की अपेक्षा मैंने इसको देखा है, पिकअप पकड़ने में टाइम नहीं लगता है। अगर 80-90 पिकअप लेना है तो मात्र 3-4 सेकंड के अंदर ही आपका इस पिकअप आ जाएगा। तो ये गाड़ी बिल्कुल अच्छी है। इसका देख सकते हैं यहाँ पे साइड स्टैंड, जो बिल्कुल फ्लैपी दिया हुआ है। तो मीटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पर 1,000-1,200 मिल जाता है, टोटल डिस्टेंस कितना चला हुआ है। यहाँ नॉर्मल मोड दिख रहा है, इस बटन से आप नॉर्मल मोड और पावर मोड सब चेंज कर सकते हैं। देखिए स्पोर्ट मोड हो गया, इसमें आप 120 किलोमीटर प्रति आवर का स्पीड पकड़ा सकते हैं। बैटरी दिखा है यहाँ कितना चार्ज है, रेंज कितना जा सकता है, तो ये भी दिया हुआ है। यहाँ पर 76 किलोमीटर इसका अभी इस बैटरी पर चार्जिंग पर जा सकता है, तो ये काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। और स्पीड यहाँ पे बिना ब्रेक का आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, जैसे कि अभी मैं इसको थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ तो ये स्पीड कुछ मिल रहा है। उसके बाद जो ही ब्रेक इसको अप्लाई करते हैं, तो इसके बाद ये एक्सेलेटर ऑटोमेटिक सा जीरो हो जाता है, यानी कि ब्रेक लगा करके आप इस बाइक को राइड नहीं कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा दिया है, ओला है, ओला कंपनी की, जो बेहतरीन गाड़ी है।
थोड़ा सा बाइक को ये होता है कि इस बाइक को ज़्यादा प्रेशर से धुलवाना नहीं चाहिए, जिससे कि आपका बैटरी स्पार्क कर सकता है, कार्बन आ सकता है, तो थोड़ा सा इससे बचना होता है। बाकी गाड़ी बहुत बेहतरीन है, प्रॉफिटेबल है, कहीं भी आराम से 120 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है, आराम से ऑफिशियल काम या कहीं भी इसको लेकर के जा सकते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर इसका बिल्कुल अच्छा सा दिया हुआ है, जो LED DRL में दिया हुआ है, साइड साइड में बिल्कुल सा छोटा सा यूनिक सा दिया हुआ है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ये बाइक बिल्कुल अच्छी है और प्रिफर कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।